fans, my people there who are there, I must tell you, and it is not, it is just not because they are there. I must tell you ki mera birthday ho ya koi bhi film ho, kabhi bhi ho, ye itne achhe achhe karya karte hain, blood donation camp karte hain, they put so many trees, they do self-defense camp karte hain, and so many things which I keep on looking at, and I'm very, very thankful to you guys. Sir, thank you very much. मी येतो घाबरू नको. ये लवकर ये, धावत ये, आणि बघ कॅमेरा खाली नको करू. अक्षय सर लवकर हा साहेब, अजून लास्ट क्वेश्चन. अक्षय सर हा लवकर येईल. एक मिनिट सर, चला आता लास्ट. अरे सर, अक्षय सर, चल सर. Sir. Okay, thank you very much. Last. Sir. Akshay sir. Okay, thank you very much. Akshay sir. Akshay sir. Akshay sir. Akshay sir. Akshay sir. Akshay Kumar sir. Akshay Kumar sir. Akshay Kumar आणि भारतरत्न त्यांना भेटणार. आणि मी असं समजतो की अक्षय कुमार जे सोशल वर्क करतात तर बाकीचे इंडस्ट्रीवाले का करत नाही. अक्षय कुमार जे डोनेट करतात, जे दानशूर आहेत, भारतरत्न आहे, त्यांना बाकी हिरो लोक, बाकी अभिनेता लोक करतील. हे बघा, असं काही नाही आहे. नाही सर, सगळं करतात. तुम्ही भारतरत्न आहे सर. मला माहिती आहे की मी इंडस्ट्रीमध्ये, म्हणून मी आपल्याला सांगतो. सांगा हे सगळं काय करतात, सगळं, चाहे हो सलमान हो. नाही, सलमान खान तुमच्याबद्दल ऐकलं सर, बाकी कोणाबद्दल आम्ही ऐकलं नाही. मी सांगतो ना भाऊ, सांगा. माझा इंटरव्ह्यू आहे. सांगा सर, मला सांगायला पाहिजे. तू मला प्रश्न विचारलं, मी तुला उत्तर देतो भाऊ. मला सगळं माहिती आहे. मला माहीत असतं कोण कुठे जातो, काय करतो. इंडस्ट्रीमध्ये एवढीशी इंडस्ट्री आहे भाऊ, बरं का. आणि असं काही नाही, आमची इंडस्ट्री कुछ भी, हिंदुस्तान में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, वी ऑल गेट टुगेदर एंड वी ऑल वर्क ऑन इट. एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन. ओके, वी कम बैक टू हियर टू मीडिया. आई थिंक सर, वी आर रेडी फॉर द फोटो ऑप. एंड आई थिंक मीडिया, वी आर रेडी फॉर अ फोटो ऑप. मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं. अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा. मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है. तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम? लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है. और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा. तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव सोचो, फिर काम मिलता रहेगा. और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया. And I'm very grateful for that. But end of the day, it's, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. Three cheers for Bobby. Sir. Hi. Yes. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो लेकिन एक एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें. ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन चार और आ जाएंगी फिल्में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
जी, और इसी